सप्ताह भर से रुका बरसात का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बुधवार की बरसात के बाद गुरुवार को भी दोपहर में अचानक कुछ मिनटों तक बरसात हुई। हालांकि बरसात का दौर चंद मिनटों तक ही चला, लेकिन तेज बरसात होने के कारण शहर में पानी ही पानी हो गया। वहीं बरसात का दौर थमते ही तेज धूप निकलने से मौसम साफ हो गया। बाड़मेर में सप्ताह भर बाद बुधवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी के साथ ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। तूफानी बारिश से किसानों को फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं गुरुवार दोपहर में भी तेज बारिश हुई। इससे पहले गुरुवार को सुबह से आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही रही। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे एकाएक बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक चली बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में बाड़मेर शहर में 7 mm बारिश दर्ज की गई है। दरअसल अगस्त माह पूरा सूखा निकलने के बाद सितंबर माह एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ था। करीब 10 दिन पहले बाड़मेर जिले भर में अच्छी बारिश हुई थी। इसके बाद बारिश का दौर थम गया था, लेकिन सप्ताह भर बाद बुधवार को अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ शहर से ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। तूफानी बारिश से खेतों में फड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। बुधवार शाम को शुरू हुई बारिश रात करीब 8 बजे तक रुक रुक कर चलती रही। बाड़मेर शहर के अलावा रानीगांव, हाथीतला, कगऊ, रामदेरिया, सनावड़ा, साधुनिया का तला, मुंडों का तला, बाछड़ाऊ, मेलू, बूढ़ जेतमाल, गरल, शिवकर, नोखड़ा सहित करीब 100 से अधिक गांव में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद गुरुवार को दोपहर में शहर के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई। बाड़मेर में बुधवार शाम को एवं गुरुवार दोपहर में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस बारिश के बाजरे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गत दिनों हुई बारिश से भी फसलों को काफी नुकसान हुआ था। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर शहर में 7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई।